please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। कानपुर में सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एसी न चलने की वजह से 5 मरीजों की मौत के आरोप लगने के बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के तरीके से ध्वज प्रणाम करते दिखाया गया, जिसे फर्जी तस्वीर करार देते हुए विपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन कुपवाड़ा पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके के लोगों से मुलाकात कर घाटी में शांति बहाली की कोशिश की। कानपुर के सरकारी अस्पताल गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में कुछ लोग बिस्तर पर लेटे मरीज को हाथ से पंखा झलने लगे। आरोप है कि आईसीयू में एसी खराब होने की वजह से वहां 24 घंटे के भीतर 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। आईसीयू में भर्ती मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए उनके तीमारदार खुद ही हाथ का पंखा चलाकर उन्हें राहत देने की कोशिश करने लगे। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने खराब एसी की वजह से मौत के आरोपों को नकार दिया और इन मौतों को अस्पताल में रोजाना होने वाली मौत से जोड़ दिया। जो 18 बेड्स हैं, इसमें जो हमारे यहाँ जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो 3-4 पर डे का होता है। लेकिन 5 मौतों के बाद भी जब एसी में कोई सुधार नहीं हुआ तो कुछ मरीजों के रिश्तेदार अपने साथ बिजली वाले छोटे पंखे भी ले आए और उन्हें अपने मरीजों की देखभाल में लगा दिया। जिस आईसीयू में 24 घंटे एसी काम करना चाहिए वहां हाथ और बिजली वाले पंखों से मरीजों ने काम चलाया, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश करने में जुटा रहा और दावा किया कि एसी खराब होने की शिकायत मिलने के बाद बिजली वाले पंखे दिए गए और तुरंत ही आईसीयू का एसी प्लांट ठीक करवाने के आदेश दिए गए। एजेंसी ने आके उसको कंप्रेसर ठीक किया, लेकिन उसका दोबारा शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन जिस एसी को मेडिकल कॉलेज 2 दिन से खराब बताने का दावा कर रहा था, उस दावे की एक मरीज के रिश्तेदार ने पोल खोल दी। कभी घंटे की, कभी 2 घंटे चल जाता, जब डॉक्टर की एंट्री होती है तब तो चलता दिखता है। आरोपों के मुताबिक आईसीयू में सिर्फ बड़े डॉक्टरों के सामने ही एसी चलाए गए, जबकि उन्हें 24 घंटे चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आईसीयू कुछ मरीजों के लिए मौत का चैम्बर बन गया। मेडिकल प्रशासन इन मौतों को इसका कारण नहीं मान रहा है और अभी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज ने आईसीयू में सुधार का दावा किया, वहीं मामले को तूल पकड़ता देख सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत की वजह सामने आ जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत की घटना से सबक नहीं लिया और समय रहते आईसीयू के एसी ठीक कराने में लापरवाही बरती। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 महिलाएं बीच सड़क पर एक कैब ड्राइवर को डंडों से पीटने लगी। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने राह चल रही महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद महिलाओं ने ड्राइवर को उसकी कार से उतारा और कार पर डंडों की बरसात कर दी। महिलाओं के वार से कार के शीशे टूट गए। तभी दूर खड़ी एक तीसरी महिला आरोपी पर चिल्लाने लगी। इस पर कैब ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था कि कार तोड़ रही दोनों महिलाएं डंडा लेकर उसके नजदीक आ गईं और उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करने लगी। इस दौरान कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन डंडा मार रही महिलाएं नहीं रुकी। वो उस पर उतनी ही तेजी से डंडा चलाती रही। सड़क पर कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई देख वहां जा रही गाड़ियां रुकने लगी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जुट गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर नजफगढ़ के उजवा गांव के पास अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था और तभी वहां से गुजर रही महिलाओं को उसने छेड़ा, जिसके बाद महिलाओं ने कार को घेर कर आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ड्राइवर का दोस्त कार से बाहर निकला और अपने दोस्त की गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन महिलाएं नहीं मानी, वो लगातार छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ड्राइवर को फिर से पीटने लगी। तभी वहां एक और आदमी आया और उसने भी आरोपी ड्राइवर पर हाथ छोड़ दिए। बाद में पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। सवाल ये कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी आरोपी को सजा देना कहां तक जायज है। छेड़खानी के मामलों में सख्त कानून है। पुलिस कानून के जरिए ऐसे आरोपियों को सजा दिलवाए तो ऐसी हरकतों को अंजाम देने वालों को और कड़ा संदेश जाएगा। गुजरात के सूरत में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक पार्क में घुस गई। इस बेकाबू कार ने बाइक पर जा रहे एक दंपत्ति को भी रौंद दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हादसे की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरे किनारे बने पार्क की ओर बढ़ती चली गई। इस दौरान कार के बीच में जो भी आया वो उसे रौंदती चली गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर से पार्क में लगी लोहे की रेलिंग भी टूट गई और कार पार्क में जा घुसी। इस हादसे में कार को भी काफी नुकसान पहुंचा।
सवाल ये कि रफ्तार पर कब लगाम लगेगी। आए दिन तेज रफ्तार की वजह से कितने हादसे होते रहते हैं, ऐसे में सड़क पर चलते वक्त बेहद सावधान रहना चाहिए। राजस्थान के अजमेर में एक लहूलुहान ट्रैफिक कांस्टेबल को कुछ पुलिस वाले अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस वालों का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल को प्राइवेट बस चलाने वालों के गुंडों ने अगवा कर लिया और उसको बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 8 से 10 लोग बीच सड़क पर ट्रैफिक कांस्टेबल को धक्का मारते हुए उसे जबरन एक बस में बिठाने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने बस का पीछा कर अगवा कांस्टेबल को छुड़ा लिया, जबकि आरोपी बदमाश बस छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद खून से लथपथ ट्रैफिक कांस्टेबल को बस से उतारकर अस्पताल पहुंचाया गया। सरेआम हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बदमाशों को ढूंढने की कवायद तेज हो गई। बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जो गाड़ी जिसमें लेके गए उस गाड़ी को हम लोगों ने डिटेन कर लिया। बताया गया कि प्राइवेट बस स्टैंड में अवैध पार्किंग रोकने पर कांस्टेबल इकरामुद्दीन और प्राइवेट बस वालों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। सवाल ये कि पुलिस को अगवा कर पीटने वाले बदमाश कब गिरफ्तार होंगे। पुलिस को चाहिए थोड़ी मुस्तैदी दिखाए, वरना पुलिस महकमे की काफी फजीहत होगी और पुलिस का इकबाल पर सवाल उठेगा। एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की तमाम कोशिश नाकाम रही है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया को खरीदने में निजी एयरलाइन कंपनियों की दिलचस्पी कम होने की सबसे बड़ी वजह एयर इंडिया की बैलेंस शीट है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया पर भारी भरकम कर्ज इसका सबसे बड़ा कारण है। एयर इंडिया के विमानों पर 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसके अलावा कंपनी पर अलग अलग एजेंसियों का कुल 31,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कुल मिलाकर यह कर्ज 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो एयर इंडिया को खरीदने पर विचार कर रही किसी भी कंपनी को डराने के लिए काफी है। बड़ी समस्या एयर इंडिया के काम के तौर तरीके हैं। एयर इंडिया के पास कुल 115 छोटे विमान हैं और एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 27,000 है, जिनमें ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। औसतन एक विमान पर कंपनी के पास 234 कर्मचारी हैं, बाकी एयरलाइन कंपनियों के मुकाबले गिनती कहीं ज्यादा है। इंडिगो औसतन केवल 111 कर्मचारियों से एक विमान उड़ाती है। जेट एयरवेज एक विमान उड़ाने के लिए 142 कर्मचारियों का इस्तेमाल करती है। यानी किसी भी निजी एयरलाइन को एयर इंडिया से मुनाफा कमाने के लिए इसमें बड़े बदलाव करने होंगे, जिसमें कंपनी को सरकारी दखल मंजूर नहीं होगा। जबकि विनिवेश के बावजूद सरकार एयर इंडिया में 24% हिस्सेदारी अपने पास रखना चाहती है, लेकिन कंपनियों के सामने ये भी साफ नहीं है कि 24% सरकारी हिस्सेदारी के बाद सरकार की भूमिका एयर इंडिया में क्या होगी। बिहार के गोपालगंज के एक नर्सिंग होम में मरीज के परिवार वालों ने हंगामा किया। बिहार के गोपालगंज के एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। यूपी के पीलीभीत की देवहा नदी में अस्थि विसर्जन के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के मयूर विहार में अपने दोस्त के साथ एक होटल में ठहरी एक लड़की का शव बाथरूम से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ, जिसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई शुरुआत में पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोपों को लेकर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जुलाई के पहले हफ्ते में जमा करेगी, जिसमें कंडक्टर को गवाह बनाए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करने की एक मशीन लगाई गई। यूपी के रामपुर में अवैध खनन रोकने गई एक पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ 23 रनों की पारी खेलने वाली मिताली राज T20 में 2000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बन गई। राशिद खान की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान ने देहरादून में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में बांग्लादेश को 1 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। पिछले साल अक्टूबर से बिना कोच के खेल रही बांग्लादेश की टीम को इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर स्टीव रोड्स अगले 2 साल तक कोचिंग देंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में यात्रियों से भरी एक बस अचानक सड़क के किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में दिखा कि बस अचानक सड़क से नीचे गिर गई और पूरी तरह पलट गई, जिसकी चपेट में सड़क किनारे चल रही 2 छात्राएं भी आ गई, जिसके बाद आसपास के लोग भागकर बस के पास पहुंचने लगे और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ ही राहत और बचाव की टीम भी पहुंच गई और बस में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बचाव टीम को बस के अंदर 2 लोग फंसे हुए दिखे, जो बुरी तरह रो रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। ओए मेरे नीचे पत्थर है, उसको पता निकालो। अभी पकड़ा, 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 पकड़ा,
चैने लगा रहे क्रेन जिसके बाद टोपी लगाए एक आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। तकरीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन बस में फंसा एक आदमी गंभीर रूप से घायल था जिसे निकालने के लिए एक शख्स को अंदर जाना पड़ा। पुलिस का दावा है कि बस में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे जिस वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई, जिसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की ज्यादा तादाद होने की वजह से अस्पताल में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। दो बच्चे जो स्कूल के बच्चे जा रहे थे पहले उनके साथ टकरा के फिर नीचे चले गए, जिसमें दोनों बच्चे हैं वो भी जख्मी हैं और उसके अलावा 30 जो हैं वो इंजर्ड हैं। बस में सवार यात्रियों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे की हालत में बस चला रहा था जिस वजह से यह हादसा हुआ। ओवरलोड था बड़ा जिसके कारण गाड़ी नीचे चली गई और ड्राइवर और कंडक्टर जो थे दोनों जो थे वो शराब पी गए। हादसे के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। इस हादसे में बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई गई। सवाल ये कि लापरवाही की वजह से कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि सड़क पर चलने वाली ज्यादातर प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग रोजाना नहीं होती और बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भर लिया जाता है। साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर भी नशे की हालत में गाड़ियां चलाते हैं जिस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला अपनी बच्ची के शव के साथ दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि सरकारी टीकाकरण के बाद रामपुर गांव के 8 बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जबकि 2.5 महीने की एक बच्ची ने टीका लगने के 8 घंटे के भीतर दम तोड़ दिया। टीका लगने के बाद बच्ची की मौत की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और डॉक्टरों की एक टीम मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत करने लगी। पीड़ित परिवार ने टीका लगाने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं जिले की डीएम ने टीकाकरण के बाद हुई बच्ची की मौत मामले में स्वास्थ्य विभाग को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। सवाल ये है कि टीका लगाने के 8 घंटे भीतर बच्ची की मौत कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए और अगर लापरवाही सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसी खबरों के सामने आने के बाद सरकार के टीकाकरण अभियान को झटका लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हाथ में बैनर और झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। सभी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके लिए सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिमला पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ जाने लगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां भी पकड़ी हुई थी जिन पर वेतन बढ़ोतरी और पेंशन देने की मांग लिखी हुई थी, लेकिन सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद सभी वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस ने रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल महिलाएं सचिवालय के बाहर सड़क पर ही बैठ गई और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। सवाल ये कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, दूसरे राज्यों की तरह की वेतन की मांग कर रहे इन कार्यकर्ताओं की मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत ही ना पड़े। रेलवे ने भारत में गर्डर पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया। रेलवे को ये कामयाबी उत्तर पूर्व के राज्यों को रेल से जोड़ने के मिशन के दौरान मिली है। इस मिशन के दौरान रेलवे के सामने मणिपुर में पहाड़ियों के बीच एक पुल बनाने की चुनौती थी। रेलवे ने गर्डर पर एक मजबूत पुल खड़ा किया जिसकी ऊंचाई 141 मीटर है। ये ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से करीब 2 गुनी है। दिल्ली का कुतुब मीनार केवल 73 मीटर ऊंचा ही है। इससे पहले इस तरह का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल यूरोप में है जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। ये पुल इम्फाल और जिरीबाम को जोड़ने वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा है। पुल की खासियत ये है कि इस पर ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और रेलवे का दावा है कि मजबूती के मामले में भी पुल पीछे नहीं है। पुल से एक मालगाड़ी 25 टन वजन लेकर जा सकती है। जिस हिस्से में ये पुल बनाया गया है उसे सिस्मिक जोन 5 में रखा गया है, यानी यहाँ भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन रेलवे के इंजीनियर दावा कर रहे हैं कि यह पुल किसी भी भूकंप का सामना कर सकता है। इस पुल को 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।